गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि फैटी लीवर से कैसे बचें। फैटी लीवर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब में होती है। और इंडिया की अगर बात करें तो इस समय लगभग 25 से लेकर 30% लोगों को ये फैटी लीवर की समस्या है। अब फैटी लीवर अगर हो जाता है तो फ्यूचर में बहुत तरह की समस्याएं होने की संभावना रहती है। डायबिटीज है, हाइपर टेंशन है, कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं और आगे लीवर डैमेज की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे कैसे बचा जाएगा, अगर हमें शुरू में ही पता चल जाए ये चीज़ें हम करेंगे तो फैटी लीवर मुझे नहीं होगा, तो मैं इन बीमारियों से भी बच जाऊंगा और आगे जो लीवर में डैमेज होने वाला है उससे भी बच जाऊंगा। तो फैटी लीवर से बचने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आपको वजन को कम करना है। वजन बढ़ता है शरीर के अंदर जब फैट सेल्स बढ़ते हैं। फैट सेल्स बढ़ता है ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा तला भुना खाने से, ज़्यादा तेल मसाला खाने से। तो आप अपने वजन को कम करो, वजन को नियंत्रित करोगे तो फैटी लीवर की समस्या अपने आप खत्म होगी, अगर है तो। और अगर नहीं है तो नहीं होगी, क्योंकि फैटी लीवर होता क्या है, लीवर के अंदर, लीवर काफ़ी बड़ा ऑर्गन है, लगभग 1.5 kg का होता है। उसमें हिपेटोसाइट हैं जो खुद तरह के फंक्शन करते हैं, स्टोरेज का, मेटाबोलिज्म का, डिटॉक्सिफिकेशन का, एंजाइम हार्मोन प्रोडक्शन का, और भी बहुत तरह की वो एक्टिविटी करता है। लेकिन अगर उसके अंदर ये फैट सेल्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा शरीर को खाना दिया तो वो फैट सेल्स में कन्वर्ट हो गया, शरीर में अलग अलग जगह फैट सेल्स इकट्ठा होता है, लीवर के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप अपने वजन को कम करोगे मतलब शरीर से आपके फैट सेल्स कम होगा, फैट सेल्स कम होगा तो लीवर के अंदर भी फैट सेल कम होगा, तो फैटी लीवर आपको नहीं होगा। तो पहला प्रिवेंशन का तरीका है कि वजन को नियंत्रित करना है। अब वजन कितना होना चाहिए, वजन आपका एक मोटा, मैं आपको हिसाब बताऊं कि जितनी हाइट आपकी सेंटीमीटर में है उसको आप -100 कर दो। जैसे मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है, 169 टू बी प्रिसाइज, तो उसमें 100 माइनस करूंगा तो 69 kg मेरा वेट होना चाहिए। अभी ज़्यादा है, 75 या 76, मतलब कि मोटापा है, हल्का है लेकिन मोटापा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक BMI भी होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो भी निकाला जा सकता है, जो 25 से नीचे होना चाहिए। एक मैं रफ आइडिया बताऊं कि अगर आपका 6 फिट से कम लेंथ है, ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती है, उस केसेस में आपको 70 से नीचे वजन रखना है, ये आइडियल है, या 75 से नीचे रखना। अगर 75 से ऊपर किसी का वजन है तो वो मोटापा है, फैटी लीवर होने की संभावना बनी रहेगी। अब जो दूसरा प्रिवेंशन का तरीका है वो एल्कोहल से बचना है, शराब ना पीना। वो किसी भी तरह की शराब हो सकती है, अलग अलग टाइप की आती है, लेकिन किसी भी तरह की होगी वो फैटी लीवर ही कराती है, क्योंकि वो फ्री कैलोरी होती है। शरीर के अंदर अगर गई तो लीवर उसको फैट में कन्वर्ट ही कर देगा, क्योंकि शरीर यूटिलाइज तो इतना कैलोरी करता नहीं है। तो एल्कोहल से बचना ही एक तरीका है फैटी लीवर से बचने का। अब ऐसे लोग जिनको 10 साल हो गए हैं एल्कोहल लेते हुए डेली, उनको लगभग ये चांस है कि उनको फैटी लीवर होगा ही, ऐसा वो मान ले। अगर आपको बचना है फैटी लीवर से तो एल्कोहल को नहीं पीना है, ये हो गई है। दूसरी बात है, तीसरी इम्पोर्टेंट बात पे, कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब कि खेलकूद भी हो सकता है, इसके अलावा योगा हो सकता है, जिम में आप जा सकते हो, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हो, लेकिन कम से कम रोज की 25-30 मिनट की हो, और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़े, मतलब कि पसीना आपका निकल आए। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 20-25 मिनट घूमने गए, धीरे धीरे टहल रहे हैं, आराम से आधे घंटे टहल लिया, लेकिन शरीर स्टेबल है, पसीना वगैरह नहीं निकला, ज्यादा तेजी से नहीं चल रहे थे, उस केसेस में बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर में फैट नहीं आए। उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर थोड़ा बहुत फैटी बदलाव है उसको निकालने के लिए तो फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज थोड़ा इंटेंस होनी चाहिए, ज्यादा देर तक होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी स्वेटिंग हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो चौथी चीज है कि फैटी लीवर अगर नहीं हो उसके लिए खाना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब डाइट में आपको एक तो खाना कम खाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि खाना कम खाना है, 2 बार सफिशियंट है। बहुत तरह की आपने बातें सुनी होगी, सुबह खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए, 2 बार में खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए। आजकल से दिनचर्या लोगों की है, कम खाना खाने से कोई विशेष समस्या नहीं आती। कुछ चीजें कभी कम भी हो सकती हैं 2-4 साल में, तो उसके लिए आप 2-4 महीने भी कोई सप्लीमेंट ले लोगे, इस तरह के मल्टीविटामिन ले लोगे तो उससे सारी पूर्ति हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दिन में 2 बार खाएं, कम कम खाएं, खाने में सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो, स्पेशली घर का बना खाना हो, उसमें सलाद हो, अनाज हो, दालें हो, इस तरह की चीजें कम कम क्वांटिटी में खाएंगे। वेजिटेबल फ्रूट्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, कैलोरी कम होती है, फाइबर इसमें ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के खाने आपको खाना है। कहने का मतलब अगर आप 2 बार खाते हो, घर की बनी चीजें खाते हो, तो फैटी लीवर की संभावना काफी कम रहेगी। लेकिन अगर आप बाहर का खाते हो, तला भुना खाते हो, जिसमें फैट ज्यादा है, मतलब चिकनाई ज्यादा है, ज्यादा मीठी चीज है,
जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या मिठाइयाँ हैं, शरबत हैं, जूस हैं, इस तरह की चीज़ों में ऊपर से शक्कर भी डली रहती है, नमक भी डला रहता है, और तली भुनी चीज़ें, स्पेशली हम इंडिया में ग्रेवी वाली सब्जियाँ खाने की काफ़ी आदत है लोगों को, या समोसा, कचौरी, या चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, ये सब तले भुनी रहती है। इसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, अगर ये शरीर में आएगा तो लीवर के अंदर फैटी चेंज ही कराएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब डाइट का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आपको थोड़ी ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो कोई हिपेटोटॉक्सिक ना हो, उसको आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, क्योंकि अगर वो हिपेटोटॉक्सिक होंगी, कुछ दवाइयाँ हैं जो स्पेशली फैटी चेंज कराती हैं, तो उस वो भी एक तरीका होता है। और अगर किसी को डायबिटीज हो, डायबिटीज पेशेंट में ये फैटी चेंज बहुत होता है, तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के केसेस में, या लिपिड बढ़ा हुआ है, तो इन सबको आपको कंट्रोल करना है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें, बीपी को कंट्रोल करके रखें, और स्पेशली अगर लिपिड प्रोफाइल गड़बड़, मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है 150 से ज्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है, एचडीएल आपका कम है, एलडीएल 100 से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में फैटी लीवर की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादातर केसेस में मिलती ही है। तो आपको लिपिड प्रोफाइल बीच बीच में हेल्थ चेकअप के रूप में कराना है और उसको लिमिट में रखना है। तो ये चार पांच जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप ये कर पाते हो, हालांकि ये बहुत कठिन है, ऐसे बताना आसान है लेकिन करना बहुत ही कठिन है। बहरहाल मेरा चूंकि काम है बताने का, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चार पांच चीज़ें करेंगे तो फैटी चेंज नहीं होगा लीवर में, या फैटी लीवर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में, मतलब ये ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी मेडिकल समस्या होगी ये फैटी लीवर की होगी। काफ़ी सारे लोगों को पहले ये भ्रम था कि सिर्फ एल्कोहल की वजह से फैटी लीवर होता है, लीवर खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बहुत कॉमन हो रही है, उसके पीछे के जो मैंने रीजन बताए, और बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचेंगे, अगर किसी को फैटी लीवर होता है, आप ये मानो कम उम्र में हो जाता है, 20, 25, 30 साल में, तो आगे चल के देखो उनको कुछ ना कुछ समस्या तो होने वाली है, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे हाइपरटेंशन हो जाए, चाहे हार्ट की संबंधित बीमारी हो, या लीवर के अंदर फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, सिरोसिस हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ समस्या के रिस्क जो रहेगा वो बना ही रहेगा, स्पेशली डायबिटीज होने का तो रिस्क बना ही रहेगा। इसके अलावा और भी तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि इनडाइजेशन का इशू रहता है, पैंक्रियाज के अंदर समस्या आएगी, गाल बटर के अंदर समस्या आएगी, तो फैटी चेंज है तो बहुत ही तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो कैसे बचना, ये मैंने कुछ तरीके बता दिए हैं, कुछ लोगों को भी बेनिफिट अगर मिल जाता है तो वो भी एक मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही कठिन चीज़ है करना जो मैंने बताई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।